इस बीच बड़ी जानकारी, आरएएस प्री रिजल्ट को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरएएस प्री रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम रद्द कर दिया गया। 5 विवादित प्रश्नों पर फिर से कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं और नए सिरे से प्री एग्जाम की आंसर शीट तैयार की जाएगी। 27 अक्टूबर 2021 को प्री एग्जाम हुई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट का रुख सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आरएएस प्री रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम रद्द कर दिए गए। 5 विवादित प्रश्नों पर फिर से कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब नए सिरे से प्री एग्जाम के आंसर की जाएगी। तो 27 अक्टूबर 2021 को प्री एग्जाम हुआ था और मेंस परीक्षा के रद्द होना भी तय माना जा रहा है। 5 विवादित प्रश्नों पर फिर से कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आरएएस मेंस परीक्षा का रद्द होना भी तय माना जा रहा है। 25 और 26 फरवरी को परीक्षा होनी थी, जो कि मुख्य परीक्षा थी। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश दिया है और 5 विवादित प्रश्नों को लेकर रिजल्ट रद्द कर दिया गया। अब 27 अक्टूबर 2021 को ये प्री एग्जाम हुई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है और मेंस परीक्षा भी रद्द हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 और 26 फरवरी को होनी है और 5 विवादित प्रश्नों पर कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए गए। नए सिरे से अब प्री एग्जाम के आंसर जारी होंगे और 27 अक्टूबर 2021 को ये प्री एग्जाम हुआ था, जिसमें हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश डांगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। दिनेश, अब आगे किस तरह का निर्णय लिया जा सकता है? जी देखिए, आरएएस एग्जाम 2021 के प्री रिजल्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर दिया है और इस फैसले के बाद जो एग्जाम का परिणाम निरस्त हुआ है, तो अब तय है कि 25-26 फरवरी को जो मुख्य एग्जाम है यानी मेंस एग्जाम है वो नहीं होगा, इस बात की पूरी संभावना। और थोड़ी देर बाद आरपीएससी इस आदेश की विस्तार से व्याख्या यानी उसको जांचने पढ़ने के बाद इस तरह के आदेश जारी कर सकता है। साथ ही 5 सवाल जो विवादित थे उनके समाधान के लिए हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं, यानी अब प्री एग्जाम रिजल्ट की दोबारा से जो की आंसर है वो यहां पर जारी की जाएगी। और उसके बाद कह सकते हैं कि लंबे समय से जो मुख्य एग्जाम है, मुख्य परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे थे, आगे सरकारने की मांग कर रहे थे, अब वो ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि पहले हाईकोर्ट के आदेश को मानना होगा। तो ऐसे में संभव नहीं है कि 25 और 26 फरवरी को एग्जाम होगा। 27 अक्टूबर 2021 को ये प्री एग्जाम है वो हुई थी और इसका रिजल्ट 19 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो आगे तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे मुख्य परीक्षा की, उन्हें हाईकोर्ट के इस आदेश से ऑटोमेटिक बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। और कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्य परीक्षा बिल्कुल स्थगित नहीं होगी और 25 और 26 तारीख को होगी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से सारी स्थितियां यहाँ पर बदल गई है। दोबारा आंसर की जारी होगी और उसके बाद नए सिरे से मुख्य एग्जाम की जो तारीख है बाद में घोषित की जाएगी। पहले हाईकोर्ट के आदेशों को जाहिर सी बात है मानना तय है, इसमें सरकार किस तरह जवाब देती है, किस तरह फैसले पर अपना जवाब देती है, इस पर सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन इतना तय है कि अब 25 और 26 को आरएएस मेंस एग्जाम नहीं होगा। दिनेश, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी ने तैयारी की होगी और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होगी, क्योंकि माइंड सेट होता है कि इस दिनांक को ये सब होना है। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है उसके बाद अभ्यर्थियों का इस पर, इसको लेकर क्या कुछ रुख होगा? जी देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने 27 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुई थी और प्री परीक्षा को क्लियर कर दिया था, तो जाहिर सी बात है उनको निराशा हुई है। और किस तरह अब इन 5 सवालों का जो विवाद है उसका निपटारा हाईकोर्ट के आदेश से होगा, इसके होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरएएस प्री एग्जाम के प्रश्न नंबर 62 के ऑप्शन 1 है उसको सही माना है। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि रिजल्ट नए सिरे से वापस तैयार होगा, उसका प्री एग्जाम का वो जब निपटारा होगा विवाद का,
तभी जो मुख्य परीक्षा है जाहिर सी बात है वो संभव हो पाएगी। हाईकोर्ट के आदेश को माना, सरकार की मजबूरी है, संवैधानिक एक प्रोसीजर है उसके तहत, तो उन अभ्यर्थियों को कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है जो मुख्य एग्जाम आगे सरकार ने की मांग कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक उन्हें अब राहत मिल गई है और वो अभ्यर्थी अपना धरना समाप्त कर सकते हैं। ठीक दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।